आपके साथ बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ना ही आटा गूंथना है, ना ही बेलना है, तो देर की इस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पे एक पैन रख दिए हैं, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो 1/2 चम्मच हम नमक लिए हैं, नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी हमारा भुना हुआ मसाला है, बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाएगा। देखिए मसाला कितना अच्छे से भून चुका है। डाल देंगे उबले हुए 4 आलू, इसे हम अच्छे से मसल के रखे थे, हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मसाले के साथ आलू अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे यहाँ तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ। यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी, आप यहाँ रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच काला जीरा, इसे मिक्स करेंगे घी में, थोड़ी पानी, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी सूजी और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए कितना अच्छे डो के फॉर्म में आ चुका है। हम इसमें नमक डालना भूल गए थे, इसीलिए इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छे डो के फॉर्म में आ चुका है, एकदम आटा के जैसे लग रहा है ना, लग रहा है आटा लगा के रखे हैं। अभी इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, ऐसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। ठंडा हो रहा है तब तक ये जो आलू का स्टफिंग्स बना के रखे थे, इसका एकदम छोटा छोटा हम टिक्किया बना लेते हैं। ऐसे सभी टिक्की को हम बना के तैयार कर लिए हैं। हमारा डो भी थोड़ा ठंडा हो चुका, देखिए हाथ से इसे हम टच कर पा रहे हैं। इसमें से छोटा सा बॉल के जैसे लोई बनाएंगे, देखिए ऐसे से दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए कचौड़ी के जैसे बना लेंगे। अब एक टिक्की लेंगे, इसमें अच्छे से दबा देंगे। टिक्की डालने से क्या होता है, चारों तरफ स्टफिंग्स जाता है, जो खाने में बहुत मज़ा आता है। अब ऐसे दबाते हुए हम इसका मुंह बंद कर देंगे, देखिए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। देखिए इसी तरह हम सभी कचौड़ी को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए सभी कचौड़ी को हम भर के तैयार कर लिए हैं। यहाँ गैस पे एक मोटे तले का कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे हम पलट देंगे, अभी इस स्टेज में इसे हम निकाल देंगे। इसे पलट पलट के हम अच्छे से सेक लेंगे, इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा आटा ऑलरेडी पका हुआ है। हमारा सेकेंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, लीजिए हमारा सुपर टेस्टी मज़ेदार सी आलू की कचौड़ी बन के तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना मज़ेदार, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे कोई भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं। देखिए एक तोड़ के बताते हैं कितना खास्ता बना है, देख रहे हैं, वाओ लग रहा है ना कमाल। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।